फ्रेंड्स, मैं आलम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ 1921 मूवी के बारे में, जिसमें ज़रीन खान लीड में थी। उसकी मॉर्निंग और आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आपको बताऊंगा, वो भी डिटेल में कि आखिर इस फिल्म के साथ क्या हुआ। एक चीज़ तो है, ये फिल्म की ऑक्यूपेंसी लो है, लेकिन बाकी दोनों फिल्मों से बेहतर है। मुंबई 9%, दिल्ली 10%, ईस्ट पंजाब 8%, सेंट्रल इंडिया 10%, CPBI 8%, राजस्थान 8%, वेस्ट बंगाल 10%, साउथ इंडिया 5%, बिहार 10%, मल्टीप्लेक्स 10%, सिंगल स्क्रीन 15% और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 13% की, जो बेहतर ऑक्यूपेंसी है। और आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी जान लेते हैं। मॉर्निंग 10%, मुंबई सॉरी दिल्ली 10%, ईस्ट पंजाब 6%, सेंट्रल इंडिया 8%। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसीज नहीं है, क्योंकि 13% ये आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है और मॉर्निंग की इसकी थी 13%, यानी कि जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। एवरेज चल रही है फिल्म दोनों दिन, यानी कि सुबह और दोपहर। अब देखते हैं यहाँ से फिल्म कहाँ तक जाती है। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर भी ये फिल्म चल रही है मोस्टली सिंगल स्क्रीन्स में ज़्यादा चल रही है। मल्टीप्लेक्सेस में इसका बुरा हाल है, जैसे देख सकते हैं 11% मल्टीप्लेक्सेस में, सिंगल स्क्रीन में 15%। वापस यहाँ पर भी देखिए तो 18% सिंगल स्क्रीन्स में, मल्टीप्लेक्स में 8%। यानी कि इस फिल्म की जो भी ऑडियंस है मेन, वो सिंगल स्क्रीन्स वाली है। कुछ ज़्यादा मेरा चेहरा भी नहीं है फिल्म में, तो आई थिंक कुछ ना कुछ पब्लिक और आती तो ओवरऑल एक डिजास्टर फिल्म होगी। लेकिन बाकी दोनों फिल्मों से बेहतर चल रही है कलेक्शन के मामले बात की जाए तो। अभी तक जो भी है ऑफिशियल फिगर्स कुछ पता नहीं चले, बट स्टिल ये ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 13% की मॉर्निंग आफ्टर उनकी। तो ओवरऑल कैसे लगा आपको ये ऑक्यूपेंसी जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कितना ही बाबा।